पार शुब नाजरीन कैसा गुजर रहा है आज का दिन आज की ये खूबसूरत सुबह उम्मीद है नाश्ता कर लेगा आज हमारा नाश्ता तो कुछ हुआ है मुख्तलिफ आज क्या तब्दीली थी आज शुब के नाश्ते में एक सैंडविच था

ज़रूर निकालना है अपनी सेहत के लिए ज़रूर ज़रूर निकालना निकालना है है खाने पीने के लिए तगड़ा नाश्ता आपने करना है तो इसलिए आज जरिए आप हमें तगड़ा नाश्ता प्रोग्राम की बात करना ये है। आप कहना चाह रहे हैं ऑन ऑन कह पूरी टीम के लिए मैंने कह दिया है खुद भी करेंगे ते रहेंगे चलें जी बढ़ते हैं आगे एक और मौजू की जानब और वो मौजूद है बांझपन अब जब मैंने ये टर्म इस्तेमाल किया बांझपन तो आई एम श्योर बहुत से लोगों के दिल में ख्याल आया होगा कि हम खुतिन के बांझपन की बात करने वाले तो ऐसा बिल्कुल नहीं है आज हम बात करेंगे मर्दाना बांझपन की चूंकि इससे मुतल माशरे में बात होती नहीं है बहुत कम होती है एक्सेप्टेंस नहीं है बहुत से ऐसे मर्द हजरात

सर जैसे कि भी हमने पहले ही अनाउंस किया कि अगर हम लोग आज पाँचपन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ख़ौन की बात नहीं कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जब भी इस बारे में बात की जाती है तो हमेशा ख़वात को ज़्यादा टारगेट किया जाता है हमने बाजा अवतारत शादी टूटते हुए ख़त्म होते हुए देखी है खुतिन को घर में बहुत ज़्यादा बदसलूकी का सामना भी करना पड़ता है अपने इन लॉस की तरफ से और माशरे की बेहिसी इसमें कुछ ज़्यादा ही रोल प्ले कर रही होती है तो इस पर भी मैं आपसे बात करूँ क्योंकि ये मामला ना सिर्फ मर्द हजरात के हवाले से, बहुत है। से भी साथ साथ जुड़ी है। वो अपना आर्ट वर्क जारी रखें फिर हम आपका डिस्कशन को कंटिन्यू करें मजदूर शहजाद कैसे हैं जी वाल्मा सेंसिटिव मौजूद है और देखिए क्या गुल खिलाता हूँ यह क्या बनता है इसको बाद में देखेंगे

us may it is quite uh, uh, the opposite okay us couples come in together and then uh, <coughs> yeah, uh, we see that they uh, हैं, they really out there and necessary i want to be tested before i get my wife tested and uh, quite accepting culturally i think it's just uh, quite um, uh, stigmatized different hai. right. And just uh, Kahake really I have seen that quite quite a bit now just being here for a number of years in Pakistan. Yes. back practicing that, um, there's a lot of pressure. A lot of pressure big on, big on cool. the on the couple per especially uh, on the especially females on the of uh, the wife. Kiosmede yes. she's uh uh, kind of always consider that she's the reason why the couple is not succeeding Bilkul. in pres pregnancy. The fact is that 40% of the fertility jab issues, aate, the couple gets married, 15% of couples may uh, pregnancy, nahi hogi. within a year they'll face infertility. Or out of those couples,

उनमें से तकरीबन आधे कपल्स का कुछ मेल फैक्टर होगा उसकी रेंज हो सकती है एनी वेयर कोई हो सकती है अगर थोड़ा सा मेल फैक्टर माइल्ड जो हो सकता है और उससे अदर एक्सट्रीम इसके बिल्कुल एज है ही नहीं बिल्कुल ठीक है तो वहाँ जो कल्चरली जैसे आपने कहा कि काफ़ी मैंने मैंने भी जो उसको देखता हूँ क्लिनिक्स में आते हैं कपल्स बताया कि जी मैंने दूसरी शादी कर ली या थर्ड और थर्ड मैरिज पे और फिर उन्होंने टेस्ट कराया तो मालूम हुआ कि पर प्रॉब्लम बेर फैक्टर है सो so, इसलिए मुझे आई थिंक द मैसेज और थॉट इज के जो जब एक कपल uh, होता उसको मुश्किलात है उसको मुश्किल आती हैं इसमें uh, बांझ पान की तो करना उनको एक तो टू सीक द प्रॉपर एडवाइस अच्छे सेंटर में जाना फर्टिलिटी सेंटर में और uh, सर इस, इस पर आने से पहले मुझे प्लीज ये बताएगा शादी के बाद अगर औलाद नहीं हो रही कितने अरसे बाद

और उसमें भी ये कि फर्स्ट टेस्ट पहला जो हम करते हैं कि मेल की एवेलुएशन करते हैं और उसको देखते हैं कि क्या है क्योंकि इस बिग पार्ट जो काफी मेजर पाँच पट का ठीक और उसमें जो मेल का सिंपल टेस्ट इजी है और उससे बहुत सारे कपल्स रिजॉल्व हो है इश्यूज सर कई ऐसे भी होते हैं मर्द का भी टेस्ट हुआ खातून का टेस्ट दोनों बिल्कुल नॉर्मल हैं बट कंसीव नहीं कर पा रहे ये आईवीएफ प्रोसीजर उस वक्त अप्लाई होता है नहीं सर आईवीएफ का जो है वो मुख्तलिफ उसकी इंडिकेशंस हैं जो हाँ। आपने कहा उसको कह, हम कहते हैं इनफर्टिलिटी अनएक्सप्ल फर्टिलिटी ठीक जो जो हस्बैंड है उनका भी ठीक है वाइफ की टेस्टिंग भी ठीक है उनका इनफर्टिलिटी उनकाुर से जितना कि हम बाकी मगरबी ज्यादा आगे की तरफ जा रहा है हाँ जी नहीं उसमें यह कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में तो हमने देखा है कि ट्रेंड ये था कि एजुकेशन की वजह से और मुख्तलि कह लें कि इंडस्ट्राइजेशन और एजुकेशन की वजह से खवातीन ने डिले किया चाइल्ड बेयरिंग Even कि अगर वो मैरिड हैं तो उन्हें कहा सर ये बात अपनी जगह लेकिन आई वी एफ प्रोसीजर क्योंकि जारे इस बारे में बहुत से लोग नहीं जानते तो प्लीज कपल्स को बताएं आई वी एफ क्या है पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट रफली क्या है और ये कैसा प्रोसीजर है आई वी एफ में हम ये करते हैं कि जो नेचुरल प्रोसेस है उसी को हम ऑगमेंट करें जो जो उसमें मुश्किल आ रही है मसलन जिससे मेल फर्टिलिटी के लिहाज से जो स्पर्म्स अगर कम हैं या सही उनकी मोटेलिटी नहीं है मार प्रोडक्शन नहीं है तो उसको पहले हम करते हैं मेडिकल मेडिसन से हाल कि वो बेहतर हो जाए नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाए वो अचीव नहीं होता तो फिर आई वी एफ का प्रोसीजर यह है कि हम एग्स ले कर वाइफ के, के और हस्बैंड के स्पर्म्स ले कर उनको अपनी लैब को दे देते हैं इन द लेब भी हमारे पास टेक्नीशियंस हैं वो वेरी एक्सपर्ट्स इन मिक्सिंग दिस टुगेदर तो इधर थ्रू आई वी एफ और थ्रू प्रोसेस कॉल्ड एक्स इंट्रा साइड स्पर्म इंजेक्शन तो उसमें जो इवन फोर फाइव स्पर्म्स लेके हम उनको उनसे एम्ब्रियोस बना के वापस उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं इन टू द वाइफ सो दैट फीमेल पार्टनर कैन देन कैरी द बेबी तो इधर इधर मेरे को इन सेंस के पहले जो था अगर स्पर्म्स कम थे तो जस्ट अबाउट ट्वेंटी ईयर्स अगो उनके

जो है विच इज़ अबाउट थर्ड टू फिफ्थ ऑफ जो है एक एक और फाइव के उसमें जो करती है कास्ट यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप में सो रियली कास्ट इज लेस और आई थिंक वी आर ट्राई मोर अवेलेबल आ, जो है यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त सेंटर जो है बहुत कम है कम है लेकिन बहर मौजूद ठीक है सर सर थैंक यू वेरी मच सर एस आई वी एफ से मुकने गुफ्तु के वक्त थोड़ा सा काम था वरना इसको और आगे डिस्कस करते हैं नाजरन चूँकि बात हम कर रहे हैं मरदाना बॉन्च पन की जिस पर मज़र शजाद साहब ने एक स्केच भी तैयार किया है सोसाइटी के जो मामलात हैं उनको लेकर मज़र साहब प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा अपना कार्टून जी एक्सप्लन करने की ज़रूरत नहीं है सबसे जो तकलीफ देह बात है वो यही है हमेशा इल्जाम बहू पे लगता है कि तुमने अगर वारस ना दिया तो ये हो जाएगा डिवर्स बेशुमार में जाऊँ हमारी अपने एक फैमिली में एक ऐसा हुआ था कि उसकी दूसरी शादी की तीसरी की उसे भी औलाद नहीं हुई तो कम से बेटे का टेस्ट करा लो यार बिल्कुल सही है। बात है ये टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है मजा साहब थैंक यू वेरी मच आप भी साथ मौजूद है नाजिन को ब्रेक लेंगे वापस आएंगे स्टे स्टेबेदास